जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। हम लोग आज बात करेंगे कन्या राशि वालों के जून माह के भविष्यफल की, देखते हैं उनका महीना कैसा होता है और ये चंद्र राशि पे आधारित है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, कोई क्वेरीज हो आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड, चाहे नौकरी से, चाहे संतान पक्ष से, चाहे फाइनेंसेस से, अवश्य आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो आसानी से, बहुत सरल तरीके से स्पिरिचुअलिटी को जोड़ के, वो अवश्य मुझे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे और ईमेल पे। फीस के बारे में जानने के लिए और अवधि के बारे में जानने के लिए, लेंथ के बारे में जानने के लिए कोर्स। तो जून का महीना जो है कन्या राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादातर कुछ एक एहतियात बरतना आवश्यक है आप लोगों के लिए, नहीं तो ज़्यादातर महीना अच्छा रहेगा आप लोगों का। कम्युनिकेशन में बहुत सुंदर रहेंगे आप लोग, कई प्रकार की अपनी बात रख पाएंगे, पहुंचा पाएंगे जहां पे आपको रखनी है। डिप्लोमेटिक भी रहेंगे कई बातों में, काम की जगह पे, प्रोफेशनल जहां पे आप काम करते हैं वहां थोड़ी सी डिप्लोमेसी यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे डिप्लोमेसी यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी प्रकार की मैनिपुलेशंस या चीटिंग की तरफ करिए। कहने का मतलब है जो काम ज़रूरी है, जो लोग इम्पॉर्टेंट हैं उनको आप कायदे से इम्पोर्टेंस दीजिए अपनी लाइफ में। जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीजिए। चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप में ज़्यादा देखिए, कोई चीज़ें इमोशंस में आने पर बहुत ज़्यादा ओवर क्रिटिकल होके चीज़ों को एनालाइज मत करिएगा इस महीने। ज़्यादातर काम की जगह पे, जहाँ पे आप काम करते हैं, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं वहाँ पे बहुत हाइपर सेंसिटिव ना हो जाइएगा चीज़ों को लेके, नहीं तो चीज़ें देखिए बिगड़ सकती हैं। हाँ, दिमाग अवश्य आपका जो है प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सुंदर तरीके से काम करेगा। काफ़ी चीज़ें गुण अर्थ है, मतलब है आप चीज़ों का समझ पाएंगे, कुछ बड़े फ़ायदे भी आप अपना कर सकते हैं सुंदर तरीके से। परफेक्शन रहेगा आपके कामों में, अच्छे से अच्छा आप करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको, जहाँ पे भी आप प्रोफेशन में, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, अवश्य आपको नया पद, नई पोजीशन ये भी प्राप्त इस महीने होती हुई दिखाई दे रही है। अगर किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम थी वो अवश्य आपकी दूर होगी, आपको नई नौकरी, नई पोजीशन मिलेगी, भाग्य भी साथ देगा आपको, काम की जगह पे आपको रिकग्निशन मिलेगी, नाम होगा, आपके काम की तारीफ भी होगी यहाँ पे। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अननेसेसरली अपने काम में, जैसे मैंने आपको बताया है, क्रिटिकल ना हो जाइए चीज़ों को लेके, लोगों को लेके। कई बार जो है वो इस तरीके के काम ना कर जाइए जल्दीबाजी में जो कि बाद में सही ना हो आपके नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए। कुछ ऐसे डिसीजंस मत ले जाइए अथॉरिटीज़ के साथ, बॉस के साथ। कहीं आप बाहर से डीलिंग करते हैं, आपका अब्रॉड से या फॉरेन से किसी तरीके का भी रिलेशन है और वो काम से संबंधित है, अगर उसको आप अवश्य जो है बड़े समझदारी से डीलिंग करिएगा उनके साथ, नहीं तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। बॉस या अथॉरिटीज़ के साथ तूतू मैमे की भी नौबत आ सकती है। तो जो भी काम करें समझदारी से करें, ज्ञान से करें, सच्चाई से करें, वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे 100%, फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी आपकी, कम्युनिकेशन बहुत बेस्ट रहेगी और कम्युनिकेशन की वजह से ही आप कई काम अपने अवश्य कर पाएंगे, बना पाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए बहुत सुंदर समय है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी ज़्यादातर समय। किसी प्रकार का, जैसे मैंने बताया है, नई नौकरी है, कोई पद है, कोई पोजीशन है, कोई कंपटीशन बीट करना है, अवश्य कर सकते हैं, नई नौकरियों की तरफ बढ़ सकते हैं। रोग, ऋण, झंझट, परेशानियाँ, ये सब आप दबा के रखेंगे। भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है,
हिम्मत, हौसला, करेज आपकी बहुत अच्छी रहेगी कई प्रकार से। संतान पक्ष की ओर से भी चीज़ें आपके लिए सही हैं, उनकी तरफ से भी आपको मैं ये कह सकता हूँ सुंदर न्यूज़ प्राप्त होंगी। अगर पहले कहीं कुछ थोड़ा सा उनके तरफ से आपको कोई कन्फ्यूजन्स थी तो वो शायद दूर होती इस महीने नज़र आएंगी, तो उस पक्ष से भी आपको सुंदर चीज़ें प्राप्त होंगी। वेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अकस्मात रूप से कोई नया आइडिया जिसको आप लागू कर पाएँ, अकस्मात रूप से कई लोगों से आपका मेल मिलाप, कुछ नई ओपनिंग्स, नई बिगनिंग्स आप जो कर पाएँ वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेंगी, वो वर्कआउट भी करेंगी आप लोगों की। घर परिवार में मैं कह सकता हूँ आपके अच्छा रहेगा, सिबलिंग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ अच्छा समय बीतेगा कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, घर में किसी न किसी प्रकार का हैवीनेस तो अवश्य ही दिखाई पड़ता है। डीपली मैं ये कह सकता हूँ अगर आप किसी पढ़ाई लिखाई में हैं, कुछ गहरी शोध में हैं किसी प्रकार के, तो बहुत अच्छा है, तब आप कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड और शांति वो वाली अपने लिए ले पाएंगे। नहीं तो ज़्यादातर घर से कुछ मामलों को लेके, कुछ बातों को लेके थोड़ा डिटैच रहेंगे, माताजी से भी थोड़ा सा जो है आपकी अनबन रह सकती है, डिस्टेंस हो सकता है उनसे किसी प्रकार का आपका। अन्यथा घर में भी चीज़ें ठीक रहेंगी और ठीक रहनी भी चाहिए आपकी, लेकिन इस समय केंद्रित आपका दिमाग जो है नौकरी है, प्रोफेशनल लाइफ है, फाइनेंसेस है, उस तरफ बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ये अवश्य बताऊंगा कि लाइफ पार्टनर से आपको सपोर्ट मिल रहा है, उनके साथ चीज़ें अच्छी चल रही हैं इस महीने आपकी जून में। लेकिन हाँ, अंत में मैं अवश्य कहूँगा थोड़ा आप ओवर एक्सपेक्टेशंस मत करिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर्स के साथ या जिनसे भी आप डीलिंग कर रहे हैं, थोड़ा वहाँ एहतियात रखिएगा। नहीं तो हो सकता है किसी प्रकार की आप में, आपके लाइफ पार्टनर में या बिजनेस पार्टनर में या जहाँ आप काम करते हैं नौकरी की जगह पे, वहाँ आपकी तू-तू मैं तकरार बढ़ जाए किसी भी चीज़ों को लेके, गर्मा गर्मी हो जाए कुछ आपकी, ये चीज़ें आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो आप दिमाग से काम लेंगे, बुद्धि से काम लेंगे, ज्ञान से काम लेंगे, जो आपको बहुत अच्छी बात भी है, मैंने आपसे कहा है प्रैक्टिकल हो के चीज़ों को देखिए। तैश में, क्रोध में आके किसी भी प्रकार का अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी पोजीशन इस महीने ना बिगाड़ लीजिएगा, खास करके 18 जून के बाद ऐसी स्थिति बनती है कि उसके नज़दीक नज़दीक यह है या उसके बाद में जो है आप किसी प्रकार के भी जो एसोसिएशंस हैं या आपके पार्टनर्स हैं, लाइफ पार्टनर हैं जिनसे मिलते हैं, यात्राओं में आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है। मैं यात्राओं के लिए अभी भी नहीं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल मंथ है आप लोगों के लिए। हाँ, ये मैं अवश्य कह सकता हूँ कि बाहर से जो नौकरी करते हैं, ऑनलाइन हैं या जिनका बिजनेस या वो चलता है किसी प्रकार का, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है इस तरीके का, उनसे उनको अवश्य फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सके जितनी यात्राएं हों, टल सके उतना आप टालिए इस समय, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सेकेंड हाफ ऑफ जून में 18 तारीख के बाद तो बिल्कुल भी यात्राओं से थोड़ा बच के रहिएगा। किसी प्रकार के आपको इन्फेक्शन्स हैं लोअर एरियाज़ में हैं, उन पे आप अपना ख्याल रखिएगा, यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड हैं किसी प्रकार की चीज़ें, किसी से लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी मत कर बैठिएगा किसी प्रकार से भी, और उसमें आपके लाइफ पार्टनर्स भी आते हैं। देखिए, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स जितनी भी आपको होंगी, आप ये सोचिए आपकी रिलेशनशिप्स की वजह से हो सकती हैं इस महीने, जो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो आपको दिमाग अपना बहुत सही रखना है, क्योंकि आपके दिमाग में हर तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या रियलिस्टिक है, क्या अनरियलिस्टिक है, इन चीज़ों का सबका आपको इस बार ज्ञान भी होगा। आप ये नहीं कह पाएंगे कि हाँ मुझको ये चीज़ पता नहीं थी, तो जब पता थी तो उसी हिसाब से आप काम करिएगा, अन्यथा कई प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, लाइफ पार्टनर के साथ कुछ उनको बीमारी का भी संकेत दिखाई देता है, आपको जो है शेयर से और स्टॉक से फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हायर एजुकेशन, पिता के साथ संबंध आपके पहले से अच्छे होंगे, गुरु से हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, भाग्य साथ देगा, फ्यूचर की अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे, अच्छी तरीके से आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, अच्छी तरीके से लोगों से आप बातचीत कर पाएंगे, मैं ये कह सकता हूँ। कई प्रॉब्लम्स या कई चीज़ों के आने के बावजूद भी आप समझदारी से काम करेंगे, ये बहुत सुंदर बात है, काम आपका अच्छा चलता रहेगा जैसे मैंने बताया है।
हर प्रकार से। लेकिन प्रोफेशनल में हो सकता है आपको अपनी वर्किंग स्टाइल चेंज करनी पड़े, कई बार हो सकता है नया कोई प्रमोशन आपको प्राप्त हो जाए या तबादला करना पड़े, या जो भी आप चेंज करेंगे वो अच्छे के लिए होगा अगर आप समझदारी से करते हैं, सोच समझ के अगर आप वो करते हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज जो है दिखाई पड़ रहा है आपकी नौकरी की जगह पे, बिजनेस के साथ कहीं ना कहीं आप शिफ्ट कर रहे हैं, वो सही मामले में अच्छा चेंज आपके लिए साबित हो तो समझदारी से काम करिएगा। हाँ, अधिकारियों से मैंने आपको कहा है, गवर्नमेंट है, इन सब चीज़ों से, बाहर के किसी भी प्रकार के आने जाने से आप बचिए। स्लीप आपकी डिस्टर्ब रह सकती है कई बार इस महीने, शायद काम को लेके हो या किसी के साथ अनबन हो जाए या अथॉरिटीज़ पे, या बहुत ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं काम में उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं काम की वजह से, उसकी वजह से हो सकता है आपकी देखिए जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाए। जबकि एम्बिशंस आपके अच्छे रहेंगे, फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बड़े काम करते हुए आप नज़र आ रहे हैं उनमें, अपने आप को टाइम दीजिए रिलैक्स करने का भी इस महीने। बहुत ज़्यादा दिमाग अपने आप में ओवर थिंकिंग में मत चले जाइएगा, क्योंकि कई मामलों में आप बहुत थोड़ा परफेक्शन चाहते हैं, हर चीज़ को बड़ा स्ट्रक्चर्ड चाहते हैं कन्या राशि वाले। तो मैं ये कहूँगा इस समय, क्योंकि दसवें स्थान पर आपके सूर्य ग्रहण भी लगेगा अब की बार, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसे डिसीजंस जो आपके आगे आने वाले कल के लिए, फ्यूचर के लिए गलत साबित हों वो बिल्कुल ना करिएगा। समझदारी से, बुद्धिमता से, बड़े लोगों की राय लेके, गुरु के, अधिकारियों को सपोर्ट में लेके जो भी काम करना है वो करिएगा। आप खुद का बिजनेस करते हैं तो ज़रूर बड़ों से पूछ लीजिए, पिताजी से पूछ लीजिए, उनके सपोर्ट के बाद इस तरह का काम आप आगे करेंगे तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि जून का महीना कन्या राशि वालों के लिए अच्छा है। बस अपने जो लाइफ पार्टनर हैं या बिजनेस पार्टनर हैं जिनके साथ डीलिंग करते हैं वो थोड़ा उचित रखिए, क्योंकि कई बार हो सकता है वहाँ से प्रॉब्लम एकदम से आ जाए या उनकी हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई बात हो जाए। यात्राओं से आप बचें, काम की जगह पे मैंने आपको बता दिया है, सोच समझ के कोई निर्णय लें। अवश्य आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, नौकरी में चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो चेंज अच्छे के लिए हो ये आपके ऊपर देखिए डिपेंड करता है, सोच समझ के विचार करिए। भाग्य आपका साथ दे रहा है, किसी प्रकार की भी आप लोगों को परेशानी या कष्ट होता है तो राम रक्षा स्त्रोत अवश्य आप करिए, आपको हर प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।